हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अन एकेडमी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज व्यवस्था की हमारी इस सीरीज़ के एक और सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग सेशन की शुरुआत करें, एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार हम लोग ऑडियो चेक कर लें, आप लोगों को आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है कि नहीं मेरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सभी को। आवाज़ आ रही है? ठीक है, परफेक्ट। चलो तो लाइक भी कर दें साथ साथ सेशन। अगर आप देख रहे हैं तो इस सेशन को लाइक कर दो भाई सभी लोग, और शेयर कर दो। हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं भारत में राजनीतिक दल के बारे में। कल मैंने आपको बताया कि दुनिया में विचारधारा के आधार पर अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जैसे प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, सुधारवादी, उदारवादी, अलग प्रकार के पाए जाते हैं राजनीतिक दल, और इनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत भी किया जाता है। लेफ्ट में या बाएं तरफ सुधारवादी और उदारवादी दल रहते हैं, बीच में केंद्र में प्रतिक्रियावादी दल रहते हैं, और राइट में दाईं तरफ रूढ़िवादी दल रहते हैं, जिसे राइटिस्ट कहा जाता है, दक्षिणपंथी। आपने दक्षिणपंथी विचारधारा के बारे में सुना होगा, आपने वामपंथी विचारधारा के बारे में सुना होगा कि ये वामपंथी विचारधारा से जुड़ा है या वाम दलों से जुड़ा है, लेफ्ट पार्टीज से जुड़ा है, राइटिस्ट में दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ा है। तो इस तरीके के आपने कई बार सुने होंगे। ये सब कुछ मैंने आपको कल बता दिया था। भारत में दलीय व्यवस्था को भी हमने देखा था कि दुनिया में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं, कहीं पर एक पार्टी रूल, वन पार्टी रूल चलता है, एक दलीय व्यवस्था जैसे चाइना में, कहीं पर दो दल होते हैं जैसे अमेरिका में, और कहीं कहीं पर बहुदलीय व्यवस्था होती है जैसे भारत में। कई प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने क्षेत्रीय दलों के बारे में बात की, भारत में दलीय व्यवस्था का उद्भव, भारत में किस प्रकार से काफ़ी समय तक एक दलीय शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, वर्चस्व रहा, उसके बाद क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ, कई और राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ, तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की दल की मान्यता अगर मिलती है चुनाव आयोग से, तो उसके क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं। जब भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिलता है तो निर्वाचन आयोग उसे कई सारे विशेष अधिकार देता है। इसके अलावा हम बात करेंगे किन मापदंड या मानदंडों के आधार पर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है या हट सकती है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये मामला करंट में भी चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी अभी भारत से राष्ट्रीय पार्टियों में से निर्वाचन आयोग ने 3 पार्टियों को हटा दिया है और आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एकदम अपडेटेड मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। क्या होता है राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या शर्तें हैं, वो सब देखेंगे, फिर चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। निर्वाचन बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई, इलेक्शन का सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानते हैं कि भारत में इलेक्शन कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, लेकिन उसके बाद उसके नीचे का पूरा जो ढांचा है वो उन्हें नहीं पता होता है कि निर्वाचन आयोग के सहायता के लिए राज्य स्तर पर एक निर्वाचन पदाधिकारी होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला स्तर पर एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, इसके अलावा एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, पर्यवेक्षक होते हैं, बहुत सारे लोग और हैं जो निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। तो ये आज मैं आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बने रहिए अगले 1.25 घंटे तक आपका जो ये सेशन चलेगा, हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, और यदि आप में से कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है और इंडिया के टॉप एजुकेटर से घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो इस समय आपके पास एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है, आपके पास सुनहरा अवसर है। अगर आप अभी 26 मई के पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं
तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। अनलॉक 50% का ऑफर चल रहा है। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन CKLIVE रेफरल कोड को यूज़ करके लेंगे तो आपको 50% तक फीस में डिस्काउंट मिल सकता है। बस डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस रेफरल कोड CKLIVE। बस ये रेफरल कोड जाके अप्लाई कर दीजिएगा, आपको गारंटीड डिस्काउंट मिलेगा। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, कंप्लीट आपका GS, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू सब कुछ इसमें शामिल होगा। तो ये आपके पास अच्छा मौका है। पिछले साल 197 टॉपर्स अनअकैडमी से रहे हैं और आप भी 2022-23 में इनमें से एक हो सकते हैं। नए बैच कोर्सेज उन बच्चों के लिए जिन्हें नए बैचेस चाहिए स्टार्ट हो रहे हैं। अभी अभी आरंभ बैच और फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, एक साल दो साल के कई सारे प्रोग्राम्स। हिंदी के लिए लक्ष्य बैच जो है UPSC 2024 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है। इसको आप 18 मई से शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हिंदी में आपको पूरी तैयारी मिल जाएगी और इसके साथ लोन की भी सुविधा है। जो बच्चे एक साथ फीस पे नहीं कर सकते, जिन्हें फीस पे करने में कोई समस्या है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ख़राब है, तो वो EMI में किश्तों में अपना जो है पैसा जमा कर सकते हैं। इस रेफरल कोड को अप्लाई करके आप लोग CKLIVE रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको लोन के लिए भी एक ऑप्शन मिलेगा। आप अनअकैडमी से लोन के ज़रिए भी अपना पूरा सब्सक्रिप्शन लेके फीस जो है वो बिना किसी ब्याज के EMI में पे कर सकते हैं। अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिनके पास में एक साथ पैसा नहीं है देने के लिए। तो ये जो चैप्टर है इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, राजनीतिक दल वाला। कल हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या विशेष अधिकार दिए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो दल होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, उन पार्टीज को क्या क्या फायदा होता है ये समझ लीजिए कि विशेष अधिकार क्या है उनके। निर्वाचन आयोग जो है भारत का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए सबसे पहले तो पंजीकृत करता है, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन करता है। कि मान लीजिए आप कोई पार्टी बनाते हैं, ठीक है, यदि आप कोई पार्टी बनाते हैं और आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, आप भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो आपकी पार्टी को पंजीकृत करेगा। उसके बाद आपकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर, आपका जो परफॉर्मेंस है चुनाव में, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस पर डिपेंड करता है। यदि आपकी पार्टी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, आपकी पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, आपको काफ़ी सारे सीट्स मिलते हैं, आपके काफ़ी सारे प्रत्याशी जीत जाते हैं आपकी पार्टी के, तो आपके उस परफॉर्मेंस के आधार पर वो आपको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है या राष्ट्रीय स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। मतलब आपकी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी या नेशनल लेवल की पार्टी बन सकती है। इससे क्या होगा, देखो इसमें अगर आपको मिल गया फायदा तो आप पंजीकृत मान्यता प्राप्त दल कहलाएंगे। जिन पार्टीज को मान्यता नहीं मिलती है ना, देखो दो तरह की पार्टीज, कुछ पार्टीज जिन्हें चुनाव आयोग ने मान्यता दी है राज्य या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की, तो वो कहलाती है मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। जिन पार्टीज को मान्यता नहीं मिलती है वो कहलाते हैं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। आ रहा है समझ में? तो आप या तो पंजीकृत मान्यता प्राप्त होंगे या गैर मान्यता प्राप्त दल होंगे। यदि आपको मान्यता मिल गई, यदि चुनाव आयोग ने आपकी पार्टी को दर्जा दे दिया, साधारण भाषा में कहूँ तो यदि आपकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया तो आपको चुनाव आयोग कई सारे विशेष अधिकार देगा। ऐसे राजनीतिक दल जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जिनकी सरकारें बनी है राज्यों में या जिनको काफ़ी वोट मिले हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव में, ऐसी पार्टी को कई सारे विशेष अधिकार चुनाव आयोग देता है। क्या क्या विशेष बता देता हूँ मैं आपको, क्या क्या आपको विशेष अधिकार मिलेंगे। सबसे पहले चुनाव चिन्ह का आवंटन, आपको एक चुनाव चिन्ह का आवंटन जो है चुनाव आयोग करेगा जिसका प्रयोग दूसरा नहीं कर सकता।
राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रसारण हेतु आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा कि जितने लोग वोटर लिस्ट में हैं वोटर लिस्ट आपको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आपको पता चल सके किस इलाके में कितने लोग वोटर्स हैं, कितने लोग वोट डालने वाले हैं। तो आपको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट, निर्वाचन सूची जो होती है, ठीक है, निर्वाचन सूची उनको उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जिन पार्टीज, जिन राजनीतिक दलों को मान्यता मिल जाती है उनको 40 तक स्टार प्रचारक रखने की या अनुमति होती है करवाने की प्रचार उनसे। स्टार प्रचारक समझते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े ऐसे प्रचारक जिनको देखने भीड़ आती है। हर एक पार्टी के कुछ स्टार प्रचारक होते हैं और वो ऐसे लोग होते हैं आमतौर पर जो भीड़ को आकर्षित करते हैं, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। हर पार्टी के ऐसे कुछ स्टार प्रचारक होते हैं। तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। इतने लोग वो अपने सूची में स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपकी पार्टी को दर्जा नहीं मिला, यदि पार्टी को किसी तरह की मान्यता नहीं मिली है, तो आप सिर्फ 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। मतलब सीधा ये नंबर आधा हो गया, 20 स्टार प्रचारक रखने की आपको अनुमति होगी, आधा, समझ रहे हैं आप? तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मान्यता प्राप्त दल होंगे तो आपको डबल स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, गैर मान्यता प्राप्त दलों को मात्र 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। इसके बाद अपने दलों के इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले में स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाता। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो स्टार प्रचारक होता है, जो आपकी पार्टी का प्रचार करता है बड़े लेवल पर या चुनावी सभा करता है, तो उसका जो खर्च होगा वो खर्च उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाता। इससे उम्मीदवार को ज़्यादा फायदा होता है अपने चुनाव में, क्योंकि वो और ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। अगर आप स्टार प्रचारक ऐसे हैं जो आपको मान्यता प्राप्त दल नहीं है और आप किसी स्टार प्रचारक को बुलाते हैं 20 से ज़्यादा, तो उसका सारा खर्च आपके खर्चे में जोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो ये एक फायदा होता है। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा हर बड़ी पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी है, समाजवादी पार्टी की साइकिल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, बीजेपी का कमल है, एनसीपी की घड़ी है। ऐसे सारे जो राष्ट्रीय दल होते हैं ना, बड़े बड़े दल, इनको चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, और वो पूरे देश में, संपूर्ण देश में उसी के लिए आरक्षित होता है। मतलब पूरे देश में उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कोई और पार्टी नहीं कर सकती। ये फायदा होता है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का कि आप पूरे देश में आपकी एक अलग पहचान होगी। यदि मान लीजिए आप गैर मान्यता प्राप्त दल हैं तो आपको अगर कोई चुनाव चिन्ह दिया गया है निर्वाचन आयोग को, वही चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग किसी दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टी को दे सकता है। पर अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो आपके चुनाव चिन्ह का प्रयोग कोई और पार्टी पूरे देश में नहीं कर सकती। जैसे कमल के अलावा बीजेपी जो है, कमल का प्रयोग सिर्फ बीजेपी कर सकती है पूरे देश में, और कोई नहीं कर सकती। पंजे का प्रयोग सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और कोई पार्टी नहीं कर सकती। ऐसा ही इसी प्रकार प्रत्येक राज्य स्तरीय दल, जो क्षेत्रीय दल होता है, राज्य स्तरीय पार्टी होती है स्टेट लेवल की, उनको जो चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, ठीक है, वो उनके लिए आरक्षित होता है, उसका प्रयोग उस राज्य में कोई और पार्टी नहीं कर सकती। फिर कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से चुनाव चिन्ह का चुनाव कर सकता है। तो जो बचे हुए हैं वो अपने चुनाव चिन्ह बचे हुए में से कर सकते हैं। ये समझ में आया? दूसरे शब्दों में आयोग कुछ चिन्हों को आरक्षित चिन्हों के रूप में निर्धारित करता है। वो आरक्षित होते हैं, उनका प्रयोग, उस तरह के चिन्हों का प्रयोग कोई और नहीं कर सकता है, बाकी जो बचे हुए दूसरे लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ फायदे होते हैं राष्ट्रीय पार्टी के। अब क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा कि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चों को उसका आंसर नहीं पता होता है। आप भी कभी अपने आसपास पढ़ाई करने वाले किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, तैयारी करने वाले से,
कि ज़रा भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, किन पार्टियों को चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता है या दे सकता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% बच्चे जो है वो आपको इसका आंसर सही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पढ़ते ही नहीं हैं या कभी पढ़ते हैं तो रिवीजन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। आप में से भी कई होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, पर आप बार बार इसको भूल जाते होंगे। तो ज़रा ध्यान से समझो कि क्या आखिर वो क्या शर्तें हैं, क्या मापदंड हैं जिनके आधार पर चुनाव आयोग किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देता है या छीन लेता है। तो इसमें क्या क्या शर्तें हैं, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की दशाएं, ध्यान से समझना। एक दल कब राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, जब वो इनमें से कोई योग्यताएं अर्हताएं पूरी करता हो। पहला, यदि वह लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में वैद मतों का 6% मत प्राप्त कर ले, इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त कर ले। सबसे पहली शर्त, ठीक है, सबसे पहली शर्त यह है कि उस पार्टी को लोकसभा में या विधानसभा के चुनाव में जितने वोट पड़े हैं, जितने मत पड़े हैं, टोटल मत डाले गए हैं, उनमें से जो वैध मत हैं, अवैध मतों को हटा के, उनका कम से कम आपको 6% वोट प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में। इसके साथ ही उनको कम से कम 4 लोकसभा की सीटें भी प्राप्त करनी पड़ेगी, जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जितनी सीटें हैं उनमें से कम 4 सीटें उनको जीतनी पड़ेंगी, पहली शर्त। फिर यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीत जाए और ये स्थान 3 राज्यों से चुने जाए अलग अलग, जैसे कुल लोकसभा की सीटें हैं 543, यदि मैं 2% की बात करूँ तो 2% सीटों का मतलब लगभग 11 सीट, ठीक है, लगभग 11 सीटें उस दल को जीतनी पड़ेंगी, या तो 6% मत ले आए, साथ में 4 सीटें ले आए, या फिर कम से कम 2%, यहाँ पर 2% स्थान की बात हो रही है लोकसभा में, तो लोकसभा का 2% होता है 11, 11 सीटें जीत ले कम से कम 3 राज्य, एक राज्य से नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी किसी राज्य में एक तरफा जो है पसंद की जाती है, काफ़ी ज़्यादा उस राज्य में उस पार्टी को पसंद करते हैं लोग, चुनाव में वोट भी देते हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि कोई पार्टी एक ही राज्य में इतनी सीटें जीत जाए, बहुत आम बात है। जैसे तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो अकेले पश्चिम बंगाल में इससे ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत लेती हैं आमतौर पर। तो अगर हम बात करते हैं 2% लोकसभा सीटों की, तो वो सिर्फ एक राज्य से नहीं आना चाहिए, कम से कम 3 राज्यों से, 3 राज्यों को मिला के आपकी 11 सीटें होनी चाहिए। आगे समझ में, आपको 2 बात क्लियर करनी है, कम से कम 2% सीटें जीतना है, या फिर और वो सीटें आपको 3 अलग अलग राज्यों में जीतना है, एक राज्य 2 राज्य से काम नहीं चलेगा। अगर एक राज्य के लोग आपको वोट कर दें सारे के सारे, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिल जाएगा। जैसे यूपी में हम देखें, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, कितनी हैं अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, और आप में से कई लोग यूपी के होंगे भी, आप में से कई लोग यूपी से संबंधित होंगे, तो आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में हैं। अब सोचिए कि अगर कोई पार्टी को यूपी के लोग एक तरफा वोट कर दें, किसी पार्टी को लोग यूपी के बहुत ज़्यादा वोटिंग में भाग लेके पार्टिसिपेट करके जिता दें, तो 80 में से 40-50 सीट तो कोई पार्टी अकेले यूपी से ला सकती है, और पूरे बाकी के 27 राज्यों में और सारे केंद्र शासित प्रदेशों में उसको कुछ नहीं मिला। तो क्या हम उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दें, भले ही वो 40 सीटें जीती हुई है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसको तो 40 सीट मिली है तो इसको तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अकेले यूपी से आप एक स्टेट से ये सीटें लेके आए हो, आप कम लाइए, 11 लाइए, पर 3 अलग अलग राज्यों से लाइए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, अगर इस शर्त को देखें और 3 राज्यों का हटा दें, खाली 2% स्थान की बात करें,
तो भारत में ऐसी कितनी सारी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि 11 से ज़्यादा सीटें लाना बहुत सारी पार्टीज़ के लिए आसान है, वो ले आते हैं। कई सारी पार्टी को 20, 25, 30 सीटें तक भी मिल जाती है लोकसभा में। आ रहा है समझ में? देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई फैक्ट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कोई पार्टी ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ आपको दो शर्त, तीसरी शर्त ये है, कम से कम 4 राज्यों में, अगर मान लो कि ये शर्तें पूरी नहीं कर रही हैं, लेकिन 4 राज्यों में उसको राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या शर्तें हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पर अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसको कम से कम भारत के 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अपने आप मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं कि क्या क्या शर्तें हैं, तो पहली शर्त आपको समझ में आ गई होगी। पहली शर्त है कि उस पार्टी को वैध मतों का 6% मिले, साथ में उसको 4 लोकसभा की सीटें मिले। ये लिखा हुआ है, वैध मतों का 6%, साथ ही 4 लोकसभा सीटें। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये कि उस पार्टी को कम से कम 2% लोकसभा की सीटें, मतलब 11 सीटें मिले, और वो 3 अलग अलग राज्यों से जीती जाए। तीसरी शर्त है कि वो पार्टी कम से कम या तो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी हो, मतलब 4 राज्यों में उसकी अच्छी पकड़ हो, अच्छे मतदाता हो उसके, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, ठीक। तो ये हमने देख लिया, तीनों के तीनों शर्तें जो हैं, इनमें से कोई भी शर्त पूरी कर दे, ज़रूरी तीनों पूरी नहीं करनी पड़ेगी, इनमें से कोई एक शर्त पूरी करके कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल सकता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए क्या दशाएँ हैं? सबसे पहली दशा, वो पार्टी उस राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में जितने हुए वोट पड़े हैं, वैध मत हुए हैं, उनका 6% प्राप्त करे और 2 स्थान साथ साथ उस राज्य में जीते। तो ये वैसा ही है छोटे स्तर पर, कि अगर मान लीजिए यूपी की कोई पार्टी है तो उसे कम से कम यूपी की विधानसभा में चुनाव में 2 सीटें जीतनी पड़ेंगी और साथ साथ जितने वोट कुल डाले गए हैं यूपी में वैध मत, उसका 6% वोट उनको मिलना चाहिए। तो ये हो गया एक शर्त, यहाँ 2 सीटें विधानसभा की, 6% मत। दूसरा, लोकसभा का चुनाव जब होगा उस राज्य में, तो उस राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले और कम से कम 1 लोकसभा की सीट जीत ले। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि चलो विधानसभा चुनाव में आपका परफॉर्मेंस खराब रहा, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में आज आप अच्छा, ये चलता रहता है हमारे यहाँ, आपको पता है कि जनता कई बार एक पार्टी को आसमान में बिठा देती है, उसी पार्टी को अगली बार ज़मीन पर गिरा देती है, ये चलता रहता है। कभी किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है, अगली बार वही प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत जाता है। तो अगर एक शर्त पूरी नहीं कर पाए विधानसभा चुनाव में, पार्टी अच्छा नहीं कर पाई, आपको अगला मौका मिलेगा लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव जब होगा तो आप उस राज्य में, जिस राज्य में आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए, लोकसभा के चुनाव में आप एक सीट जीत लो, कम से कम 1 सीट जीत लो, और जितने वोट उस राज्य में लोकसभा चुनाव में डाले जाएं उसका 6% आप जीत लीजिए। अगला ये समझ गए, अगली शर्त ये, या तो विधानसभा के चुनाव में 6% वोट के साथ 2 सीटें जीत लो, या लोकसभा के चुनाव में 6% वोट के साथ में 1 सीट लोकसभा की जीत लो, या फिर उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीट, जो भी ज़्यादा हो वो जीत लियो, वो प्राप्त कर लियो, 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो, जैसे यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा में, ठीक है, 403 का अगर आप देखेंगे तो 3% कितना होगा, लगभग 12 से 13 सीटें, 13 मान लेते हैं एग्जैक्ट, 13 सीटें आपको यूपी में जीतनी पड़ेगी। अगली शर्त यह है कि आप उस राज्य में विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें हैं विधानसभा में उसमें से कम 3% या 3 सीट जो ज़्यादा हो जीत लो। ये समझ में आया?
ये किसी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिला सकती है। इसी आधार पर भारत में कई सारे राज्य स्तरीय पार्टी बनी हुई है, बीजू जनता दल, डीएमके, एआईएडीएमके, तेलुगु देशम पार्टी, है ना, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सारे जो दल हैं इन्हीं आधारों पर इनको मिला है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। चलो क्लियर हुआ, जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ क्लियर। तीन शर्तें मैंने आपको बताई हैं राष्ट्रीय स्तर के दल की, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी की मान्यता प्राप्त करने की, और तीन शर्तें मैंने आपको बताई हैं राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की। और फिर कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझ लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। चलो ये हो गया, अगला है भारत में यदि, चौथा इसमें ये, प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो, या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उस विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। फिर इसमें यह भी है कि अब जितनी भी सीटें हैं लोकसभा में, प्रत्येक 25 सीटों में से कम एक सीट जीत ली हो। राज्य में अलग अलग सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, मान लीजिए 50 सीटें हैं तो 50 के आधार पर दो हो जाएगा, हर 25 सीट पर एक सीट आपको उस राज्य में जीतनी है तो आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर ले, ये शर्त 2011 में जोड़ी है कि आप अगर 8% मत प्राप्त कर ले, सीटें भले ही ना जीते, हो सकता है कि कोई पार्टी एक भी सीट ना जीते, जीरो रह जाए उसका अकाउंट, पर उसको वोट अच्छा मिले, वोट परसेंटेज अच्छा हो उसका, तो 8% अगर आपको वोट मिल जाते हैं लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में उस राज्य में, तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये कभी फिक्स नहीं रहता है। दरअसल ऐसा मत समझिएगा कि किसी पार्टी को एक बार राष्ट्रीय पार्टी बना दिया तो वो जीवन भर रहेगी, आजीवन फिक्स हो गया, या राज्य स्तरीय पार्टी बना दिया तो फिक्स हो गया, ऐसा नहीं। ये प्रदर्शन के आधार पर चलता है, अगर चुनाव में लगातार ये प्रदर्शन बना रहता है तब फिर आप इन पार्टी के दर्जे के रूप में रहेंगे, और अगर आपका प्रदर्शन खराब हुआ तो आपको राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी के दर्जे से हटाया भी जा सकता है। जैसे अभी वर्तमान में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है ये भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, इनका दर्जा छीन लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, इनका दर्जा छीन लिया। तो यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है, निर्वाचन आयोग आम चुनाव में इनके प्रदर्शन के, राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर इन दलों की संख्या में परिवर्तन करता रहता है। आज से 1-1.5 महीना पहले तक भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी, वर्तमान में 6 हैं, तो ये चेंज होता रहता है। 17वीं लोकसभा के आम चुनाव की पूर्व संध्या पर, ये जो आप बुक में पढ़ोगे ना, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, 2019 का डेटा है, 7 राष्ट्रीय दल, 52 राज्य स्तरीय दल और 2354 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, ये 2019 की बात है। मैं आपको लेटेस्ट डाटा बताऊं तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी है भारत में, 6 राष्ट्रीय दल हैं, 54 राज्य स्तरीय दल हैं, स्टेट लेवल की पार्टीज की संख्या भारत में अभी 54 है, और 2597, ठीक है, ये भारत में अभी गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल है। तो ये इस लेवल पर अभी हमारे देश में इतनी ज़्यादा पार्टीज बन चुकी हैं। आई मेरी बात समझ में आपको, एक बार कमेंट में बता दो फटाफट। कमेंट में बता दो एक बार सभी लोग, ठीक है, तो कितने हैं फिर से बता देता हूं,
राष्ट्रीय दलों की संख्या हो गई है 6, राज्य स्तरीय दलों की संख्या हो गई है 54 और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या हो गई है 2597। ये 2354 था 2019 में। इससे आप समझ सकते हो कि भारत में राजनीतिक दलों की संख्या किस तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले लगभग 4 सालों में, 2019 से 2023 में हम देखें तो पिछले 4 सालों में भारत में 2354 से लेकर सीधा 2597, लगभग 250, है ना, लगभग आप कहेंगे 250 राजनीतिक दल बढ़ गए हैं। ये बहुत बहुत वृद्धि, बहुत बड़ी ग्रोथ है। हमारे यहाँ पार्टी बनाना इजीली में है ना, बहुत आसान सी बात है। कोई भी जाके ऐसे चुनाव आयोग में पंजीकृत करा के अपनी पार्टी बना सकता है, राजनीतिक दल। और ये सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़े ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ चुनाव लड़ते हैं, कुछ ऐसे ही अपनी पार्टी बना के बैठ जाते हैं पैसा वगैरह खाने के लिए, पैसा ये कोष जमा करने के लिए, पार्टियों को मिले हुए विशेष अधिकार या उनके अधिकारों का फायदा उठाने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय दल और क्षेत्रीय दलों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा। अब वर्तमान में भारत में इस लिस्ट में, मैंने आपसे कहा कि लिस्ट थोड़ी सी पुरानी है, एक बार भारत की राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में चर्चा कर ले कौन कौन सी है। इस समय भारत में बहुजन समाजवादी पार्टी जिसे बसपा कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, BSP, BJP, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, इसका चुनाव चिन्ह कमल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसका दर्जा अभी छीन लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट M, ये राष्ट्रीय पार्टी है। हथौड़ा, हंसिया और तारा इसका चुनाव चिन्ह है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, हाथ का पंजा, ये राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं, इसे NCP बोलते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की पार्टी है और इनका चुनाव चिन्ह है घड़ी, वॉच। TMC, तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी की पार्टी है, इनका भी राष्ट्रीय दर्जा अभी हटा दिया गया है। अगली पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP, मेघालय की पुस्तक, इनका चिन्ह है। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक दो तीन चार पाँच और छठी है आम आदमी पार्टी। इस लिस्ट में जो नया नाम अभी जुड़ा है वो झाड़ू, इनका चुनाव चिन्ह है, आपको पता है अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी है और इनको अभी आम आदमी पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी अभी लेटेस्ट मिला है, तो 6 हो गई है। ध्यान रखिएगा 8 में से 3 जो है वो हट गई और 1 जो है वो ऐड हो गई, तो वर्तमान में 6 पार्टियां हो गई हैं, ठीक है। मैंने आपको सारी पार्टीज़ के नाम भी बता दिए कि 6 पार्टी कौन कौन सी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, किन किन का दर्जा, अभी UPSC में क्वेश्चन आ सकता है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपसे या तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी पार्टी का दर्जा छीना है या कौन सी पार्टी नहीं बनी है, या वो पूछ सकता है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। चलो, ये हो गया आपका 69 राजनीतिक दल। अगला जो चैप्टर है ये है निर्वाचन, इलेक्शन। मैंने आपसे कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, तो भारत में लोकतंत्र का एक प्रकार से उत्सव होता है निर्वाचन, है ना, जब भी निर्वाचन होते हैं भारत में तो ये लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, त्यौहार माना जाता है। क्या है भारत में निर्वाचन को लेकर प्रावधान, मशीनरी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि संविधान का जो भाग 15 है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक भारत के संविधान में निर्वाचन से जुड़े हुए प्रावधान है। इसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसी में आपके वोट डालने की एज है, वो सारी चीज़ें इसी में हैं। पर आज के सेशन में हम लोग निर्वाचन में सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देखेंगे, हम पूरे निर्वाचन का ढांचा देखेंगे।
आखिर कैसे भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता है, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से पद हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतने बड़े देश में चुनाव कराने में सहायता करते हैं। सोचिए 32-33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 32,83,000 लगभग 33 लाख होता है, तो लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है भारत में और सभी जगह चुनाव होते हैं। ऐसा तो कोई भारत में जगह नहीं है जहां इलेक्शन नहीं होते हैं। लोकसभा के चुनाव अगर आप देखें तो भारत के हर क्षेत्र से लोग चुने जाते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से। इतना बड़ा एरिया, लगभग 140-145 करोड़ के आसपास जनसंख्या, सारे लोग वोट नहीं देते लेकिन इनमें से काफ़ी बड़ी संख्या भारत में वोट दे रही है। और ये बात भी पता है आपको कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, जनांकिकीय लाभांश। इसका मतलब है कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इतने सारे लोगों से वोट डलवाना, फिर इसमें पूरा के पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, चुनावों की तिथियां घोषित करने से लेकर आचार संहिता लगवाना, उसके बाद किसी दिन चुनाव या तो एक साथ कराना या चरणों में करवाना, अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं जहां पर इलेक्शन होते हैं, जहां लोग वोट डालते हैं, इसके बाद उन सारे इलेक्शन के बाद में उनको मत पेटियों को लेके ईवीएम्स वगैरह जो भी हैं उनको सील करना, उनको मतगणना केंद्र तक लेके जाना, फिर मतगणना करवाना, चुनाव परिणाम घोषित करना, बहुत सारा काम है। और इस सब का मकसद क्या है, इस सब का सिर्फ एक मकसद है और वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहायता बहुत सारे लोग करते हैं जो हम देखेंगे। पूरे ढांचे के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इलेक्शन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ से कई चीज़ें बनती हैं, निर्वाचन, निर्वाचन का ढांचा, इसके बाद निर्वाचन से जुड़े हुए कानून, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम वगैरह, फिर निर्वाचन में सुधार जिसे चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स, एक अपने आप में ये टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहे हैं, है ना। तो निर्वाचन व्यवस्था की बात करें तो भारत के संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ये जुड़े हैं निर्वाचन से। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 324 में देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। जिन बच्चों को इलेक्शन कमीशन पढ़ना है वे लोग पुराने सेशन जो मैंने पढ़ाए इस सीरीज़ में उसमें मैंने संवैधानिक आयोग पढ़ाए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है, जिसने देखा है वो भी बता दें, जिसने नहीं देखा है कि हमने अभी पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, जल्दी बताओ फटाफट, कितने लोग हैं जिन्होंने पुराने सेशंस इलेक्शन कमीशन वाला खास करके देखा है। तो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का गठन, इलेक्शन कमीशन में स्वतंत्रता, नियुक्ति, शक्तियाँ, कमियाँ सब डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नहीं देखा है तो कर लेना, देख लीजिएगा। तो ये निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है 324 में। संसद, राज्य विधायिका, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन पढ़े हो तो आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस का चुनाव करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के चुनाव करवाता है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधान परिषद के चुनाव करवाता है। इतने चुनाव जो है भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। रही बात पंचायतों की, नगर पालिकाओं की, तो पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव ये नहीं करवाता है, वो काम राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। तो इन सारे चुनावों में अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ये सब इसी का होता है। वर्तमान समय में इस आयोग में आपको पता है कि आयोग बहुसदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है
और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, टोटल 3 लोग हैं। आपको इसकी कहानी भी पता होगी कि आज़ादी से लेकर तो हमारे देश में जब से संविधान लागू हुआ 1989 तक भारत में चुनाव आयोग में सिर्फ एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था। बाद में पहली बार 1990 के आसपास एक चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति हुई, वो फिर हटा दिए गए। 93 के बाद से भारत में फिर चुनाव आयोग बहुसदस्यीय हो गया और आज तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलो यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या आप मुझे बता सकते हो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चलो जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं कितने लोगों को नाम याद है। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम, सबसे पहला आंसर आया है अनोखी ठाकुर का, अनोखी ठाकुर, उसके बाद राज पटेल, अशोक कुमार, वेरी गुड, उमा भारती, अंकित, UPSC 365, जीतू, अर्चना, वर्षा, कुमार सेन नहीं, सुकुमार सेन है वो, कुमार और सुकुमार में थोड़ा सा अंतर होता है ना, तो इसको सुकुमार करिए, कुमार नहीं है। जैसे पुत्र के आगे सुपुत्र लगा देते हैं ना तो शब्द थोड़ा सा बदल जाता है, पुत्र और सुपुत्र में कैसे अंतर होता है, वैसे कुमार और सुकुमार में भी अंतर है ना। ये सुकुमार सेन, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने लगभग लगभग आंसर दिया, मतलब आपको नाम तो पता ही है, अच्छी बात है, बधाई हो सभी को। अब इसके साथ ये तो हमने देखा कि एक निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। संसद प्रत्येक राज्य विधायिका के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक मतदाता सूची होनी चाहिए। अब एक बात ये कि वोटर लिस्ट जो होती है ना वो एक ही होती है। जैसे आपको पता है कि भारत में विधानसभा के चुनाव में भी लोग भाग लेते हैं, राज्य की लोकसभा के चुनाव में भी भाग लेते हैं, तो ऐसी कोई अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं होती है कि एक वोटर लिस्ट बनी है जो लोकसभा चुनाव में काम आ रही है, एक वोटर लिस्ट बनी है जो विधानसभा चुनाव में काम आ रही है, ऐसा नहीं है। एक ही वोटर लिस्ट बनती है क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक होते हैं, तो ये वोटर लिस्ट लोकसभा के चुनाव में भी काम आती है और यही राज्य की विधायिका के चुनाव के लिए भी काम आती है। इस प्रकार संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग मतदाता सूची की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि भारत में अंग्रेजों के ज़माने में 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के बाद सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, मतलब उन्होंने अलग अलग निर्वाचक सूचियां बनाई, उन्होंने धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए, ऐसा हमने नहीं किया। आज़ादी के बाद भारत ने एक ही वोटर लिस्ट बनाई, चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हो, सबकी सूची एक ही सूची होगी, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग जातियों की अलग अलग सूची नहीं होती हमारे यहाँ। ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि इसी की वजह से देश का विभाजन हुआ था और हम नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन और ज़्यादा हो। इनफैक्ट हमने ब्रिटिश सरकार से भी इस बात पर विरोध जताया था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन खत्म हो। जैसा कि नेहरू रिपोर्ट पढ़ी होगी आपने, 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट करके आई थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी हमने सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करने की मांग की थी कि एक संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, भले स्थानों का आरक्षण कर दिया जाए, सीटें रिजर्व कर दी जाए, पर ये पृथक निर्वाचन वाला मामला गलत है, तो हमने इसको फॉलो नहीं किया। फिर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नामित होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर अपात्र नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि यदि आप भारतीय हैं, आप इस देश के नागरिक हैं,
18 साल से ऊपर के हैं, एकदम स्वस्थ मानसिकता के विकृत चित्त नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता वोट डालने से। आपका नाम वोटर लिस्ट में पंजीकृत होगा, आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा बकायदा। इसमें ना तो आपका धर्म आड़े आएगा, ना आपकी नस्ल आड़े आएगी, ना जाति, ना लिंग। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप तो फलाना धर्म के हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, आप वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि सेक्युलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष देश है, तो सबको वोट डालने का अधिकार होगा, 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को। आपकी जाति आड़े नहीं आएगी, ठीक है, आपकी नस्ल आड़े नहीं आएगी। नस्ल का मतलब ये कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय हो, नागरिक हो, लेकिन उसके माता पिता या पूर्वज भारतीय नहीं हो, कोई विदेशी जो अब भारतीय नागरिक बन गया हो तो वो भी भारत में वोट डालने का अधिकार रखता है। कोई भी लिंग का, ऐसा नहीं कि महिला पुरुष का कोई भेदभाव, सबको वोट डालने का अधिकार है। तो इनमें से किसी के आधार पर अपात्र नहीं होगा। इस प्रकार भारत का संविधान मतदान में प्रत्येक नागरिक की समानता को स्वीकार करता है, मतलब हमने यहाँ भी सबको इक्वालिटी दी है, बराबरी दी है, एक व्यक्ति एक नागरिक एक वोट, ठीक है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके धर्म जाति नस्ल लिंग क्या है, आपको वोट डालने का अधिकार संविधान देता है। फिर लोकसभा और राज्य के विधानसभा के लिए जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, और वयस्क का मतलब यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर, जो भी भारत में 18 वर्ष से ऊपर का है उसे वयस्क माना जाता है, एडल्ट माना जाता है, और इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु का है, निर्वाचन में मत देने का, वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसके लिए लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ 18 वर्ष का होने से या भारत का नागरिक होने से आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपने आप को निर्वाचन आयोग में पंजीकृत कराना पड़ेगा। आपका जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पंजीकरण नहीं होगा, जब तक आपको वोटर आईडी नहीं दिया जाएगा, मतदाता पहचान पत्र नहीं मिलेगा, तब तक वोट नहीं डाल सकते। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 18 साल का है या उससे ऊपर का है, भारत का नागरिक है, वो चला जाए वोट डालने कि मुझे संविधान ने वोट डालने का अधिकार दिया है, 18 साल से मैं ऊपर का हूँ, ये देखिए मेरा आधार कार्ड, ये देखिए मेरी मार्कशीट, आप साबित कर दें कि आप 18 से ऊपर के हैं, तो इस आधार पर वोट डालने का कोई अधिकार आपको नहीं मिलेगा। वोट आप तभी डाल पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, जब आपका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में आ जाएगा। जब तक आपका नाम उस वोटर लिस्ट में वहाँ की नहीं आएगा, वोट नहीं डाल सकते, भले ही आप 18 साल के हों, नागरिक हो, ठीक है। हाँ, इसमें एक ये है कि अगर विधायिका या संसद या कोई भी विधायिका द्वारा निर्मित कोई अनिवास चित्तवृत्ति अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर आपको अयोग्य नहीं घोषित कर दिया जाए, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है, विकृत चित्त है, तो उस व्यक्ति को वोट डालने से रोका जा सकता है, ठीक है, उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है, या कोई और आधार पर भी आपको वोट डालने से रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि भारत में 25 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, भारतीय नागरिक जो 25 साल से ऊपर का हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मामले में आपको 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि आपको अगले 6 साल तक, सजा खत्म करने के 6 साल तक आप अगले चुनाव नहीं लड़ सकते। भले ही आप 25 साल के हैं, आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपराधी हैं, आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, तो आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। सेम केस वैसा ही है कि आप अगर विकृत चित्त हैं, भ्रष्टाचार किसी अन्य आधार पर आपको सजा ऐसा कुछ मिला है, तो आपको इन आधारों पर रोका जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है वोटर आईडी देने से, या आपका नाम पंजीकृत करने से रोका जा सकता है। फिर अनुच्छेद 323 ख, विधायिका को निर्वाचन के विवादों में निर्णय के लिए एक अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। एक तरीके से हम ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। यदि आप लोगों ने भारत के संविधान का पार्ट 14A पढ़ा हो, तो ये पूरा भाग ही अधिकरण से जुड़ा है, ट्रिब्यूनल से जुड़ा है। ये भाग
42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे यहाँ पर एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया था, भाग 14A, 14A, और इस भाग का नाम है अधिकरण ट्रिब्यूनल, जो संसद को, विधायिका को अलग अलग मामलों के लिए अधिकरण गठित करने की शक्ति देता है। ऐसा ही एक अधिकरण हमारे प्रशासनिक मामलों के लिए है, जिसे आप लोग कैट के नाम से जानते हैं, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। अगर पुराने सेशंस देखे होंगे इस सीरीज़ के, तो आपने कैट पढ़ा होगा। कैट का मतलब यहाँ बिल्ली नहीं है, कैट का मतलब यहाँ पर कॉमन एडमिशन टेस्ट नहीं है, कैट का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। और ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संसद ने गठित किया है भाग 14 के तहत दी गई शक्ति के तहत। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी अचानक से मैंने आपको कैट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि बात अधिकरण की निकली है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकरण को गठित करने की शक्ति संसद के पास में है, और जैसे उसने प्रशासनिक मामलों के लिए एक अधिकरण गठित किया है, वैसा ही कोई ट्रिब्यूनल या अधिकरण वो गठित कर सकती है चुनावों में विवादों के निर्णय के लिए भी, कि अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाए, उस विवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला या मुद्दा हो जाए, उस पर निर्णय देना हो, तो ये अधिकार है संसद या राज्य विधायिका को कि वो इस प्रकार का अधिकरण गठित कर सकती है, ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि भारत में अभी तक ऐसा कोई अधिकरण चुनावी मामलों के लिए गठित नहीं हुआ है, प्रशासनिक मामलों के लिए है, पर चुनावी मामलों के लिए अभी तक ऐसा कोई ट्रिब्यूनल भारत में गठित हुआ ही नहीं, ठीक है। ये ऐसे विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों से बाहर रखने का भी उपबंध करता है, मतलब अगर चुनाव से जुड़े हुए कोई विवाद हो जाए जो अधिकरण के दायरे में आते हैं, तो उन मामलों को न्यायपालिका के अधिकार से बाहर रखने का भी उपबंध करता है, कि उन मामलों में आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, आपको सीधा ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, और अभी तक ऐसे किसी अधिकरण का गठन नहीं हुआ है। हालांकि 1997 में केस हुआ था, जिसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये असंवैधानिक है, ये प्रावधान आप हमसे, हमें रोक नहीं सकते, आप हमारे पास मामलों को आने से नहीं रोक सकते। चंद्र कुमार का वो मामला था 1997 का। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल के पास ही जाया जा सकता है, कोर्ट के पास जाने का अधिकार नहीं रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में चंद्र कुमार के मामले में ये निर्णय दिया था कि ये उपबंध संवैधानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप सभी को पता है ये कोर्ट की शक्ति को कम करता है। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई अधिकरण गठित किया भी जाए, अभी तक तो नहीं हुआ है, और यदि आप गठित कर भी ले भविष्य में, तो इसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा, ऐसा नहीं है, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी। अब हम बात करेंगे भारत में चुनाव तंत्र के बारे में, कौन कौन से लोग, कौन कौन सी संस्थाएं इलेक्शन में भाग लेती हैं। पहला नाम तो आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कमेंट करो भाई जल्दी, समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दो। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर दो यार। चलो, तो भारत में इलेक्शन का पूरा, चुनाव का तंत्र, पूरा ढांचा, सबसे पहले आता है नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे ECI कहते हैं, संविधान का अनुच्छेद 324। ये भारत में, मैंने आपको बता दिया है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये अधिकार प्राप्त है, इसी को अधिकार है चुनाव करवाने का। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति में भी थोड़ा सा आपको मामला है कि पेच आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया
कि निर्वाचन आयोग में जो नियुक्तियां भारत सरकार के कहने पर या उसकी परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं वो सही नहीं है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के चुनाव में अकेली सरकार की भूमिका का होना क्वेश्चन खड़ा करता है, प्रश्न खड़ा करता है, संदेह पैदा करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है निर्वाचन आयोग में नियुक्ति जो होगी उनमें एक पैनल के सिफारिश पर ऐसा होगा, पैनल में भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो, और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीन लोग होंगे। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये तीन लोगों का पैनल बनेगा, ये तीन लोग नाम की सिफारिश करेंगे और इन्हीं में से किसी को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में नियुक्त करेंगे। यही समिति सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में भी काम आती है, ये भी हम लोग बात पहले कर चुके हैं। यही समिति भारत में अब निर्वाचन आयोग में नियुक्ति में भी काम आएगी, तो थोड़ा सा अपडेट हो जाइएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए एक होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद राज्य में कौन करेगा उसकी मदद? भाई देश में 28 राज्य हैं, तो अगर राज्य के विधानसभा में चुनाव होगा, राज्य के विधानसभा का चुनाव होगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस राज्य में थोड़े ना जाएगा? फिर उस राज्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद कौन करेगा, कौन चुनाव करवाएगा? तो हर राज्य में एक व्यक्ति होता है CEO, इसे कहते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ध्यान से समझो, हर राज्य में एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पद होता है, जो उस राज्य में एक होता है, बस हर राज्य में एक होता है, जिसका कर्तव्य या जिसकी जिम्मेदारी है उस राज्य में विधानसभा के, विधान परिषद के चुनावों को करवाना, लोकसभा के चुनावों को करवाना। तो हर राज्य और संघ क्षेत्र का एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकृत है। मतलब उस राज्य में चुनाव करवाने की, उस संघ राज्य क्षेत्र में चुनाव कराने की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसका निर्वाचन आयोग अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है। तो जो जो चुनाव निर्वाचन आयोग के पास में है वो सारे चुनाव करवाने का अधिकार राज्य में इसका है, कर्तव्य इसका है। निर्वाचन आयोग राज्य सरकार या संघ क्षेत्र की सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से मुख्य अधिकारी या मुख्य चुनाव अधिकारी नामित करता है। तो ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस राज्य की सरकार, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक आदि से परामर्श करके उस राज्य में एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पद पर किसी को नियुक्त करेगा, नामित करेगा, इसी को फिर आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर कहेंगे। ये तो हो गई पूरे देश की बात, पूरे देश के लिए एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हर राज्य में एक होगा चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आते हैं नीचे, जिला स्तर पर कौन होता है? हर जिले में निर्वाचन का जो कार्य है, जो दायित्व है, उसको संपन्न कराने के लिए एक अधिकारी होता है जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं, जिसे DEO कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, DEO। आम तौर पर जो DM होता है, ठीक है, जो DM होते हैं उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है या नामित किया जाता है। हर जिले में निर्वाचन कराने का जो दायित्व है वो DM का ही होता है, और DM को जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर भी जाना जाता है। बहुत सारे काम DM करते हैं, DM के फंक्शंस जितने सारे हैं, वो जिला आपदा अधिकारी भी मैंने बताया था आपको, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है उसमें जिले में हेड होता है DM। तो जैसे जिले में आपदा का सारा मामला DM देखते हैं, चुनाव का सारा मामला भी DM देखते हैं। चुनाव के समय में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, DM होते हैं, उनका जो कार्यालय होता है वो चुनाव कार्यालय में परिवर्तित हो जाता है। उस समय उनके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ आ जाती है और चुनाव से जुड़े हुए मामलों में निर्णय लेने का उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो पूरे जिले में निर्वाचन कराने का जो दायित्व है, जो काम है, वो DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करता है। समझ गए? पहले पूरे देश में, फिर राज्य में, फिर जिले में। तो प्रत्येक जिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण में एक DEO, जिला निर्वाचन अधिकारी काम करता है।
और जब तक चुनाव होते हैं ना, जब चुनाव का समय होता है तो डीएम इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। डीईओ जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय में जब आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता की घोषणा के बाद राज्य सरकार का जो नियंत्रण है वो कर्मचारियों पर काफ़ी कम हो जाता है। आमतौर पर इस प्रकार के अधिकारियों कर्मचारियों का जो ट्रांसफ़र है या जो भी मामला है वो सब निर्वाचन आयोग के पास चला जाता है। उनके सहमति या परामर्श के बिना राज्य सरकार अधिकारियों का तबादला भी नहीं कर सकती। इसीलिए आपने एक चीज़ कभी नोटिस की हो तो आपको पता होगा कि अगर कहीं पर चुनाव होने वाले होते हैं किसी राज्य में, तो आचार संहिता लगने के पहले ही, आचार संहिता की घोषणा होने के पहले ही राज्य सरकार अधिकारियों के तबादले ट्रांसफ़र कर दिया करती है। अगर पहले कर दिया तो कर दिया, क्योंकि एक बार आचार संहिता लग गई तो फिर राज्य सरकार ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में चले जाते हैं और फिर वही जो है इनके सारे मामले देखता है। इज दैट क्लियर? तो ये जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक जिले में आपको मिलेगा। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्य में होता है उनके अंडर में काम करते हैं, नियंत्रण में काम करते हैं और चुनाव का पर्यवेक्षण जिले में करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सलाह पर जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करता है, तो वो आमतौर पर मैंने आपसे कहा वो DM ही होता है। तो राज्य सरकार की सलाह से निर्वाचन आयोग किसी जिले में अधिकारी को इस पद पर नियुक्त करते हैं, नामित करते हैं। अब ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके बाद चुनाव संपन्न कराने का, किसी संसदीय विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य संचालन के लिए एक चुनाव अधिकारी उत्तरदायी होता है, जिसे RO कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। RO या रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है समझो, चुनाव अधिकारी, जैसे आपका कोई विधानसभा क्षेत्र है, आपका कोई लोकसभा क्षेत्र है, तो हर विधानसभा क्षेत्र में या किसी लोकसभा क्षेत्र में उस क्षेत्र के अंदर अंदर चुनाव कराने का जो काम है, जो उत्तरदायित्व है, वो होता है चुनाव अधिकारी का, रिटर्निंग ऑफिसर का, RO का। और हर प्रकार के चुनाव को संपन्न कराने में आपको RO मिल जाएंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, हर एक जो है चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जिनका दायित्व होता है चुनाव कार्य का संचालन करवाना उनके क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी को संघ राज्य राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव पदाधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को नामित करता है। आपका जो भी विधानसभा, आप कहीं भी रहते हो भारत में, आपके कोई तो विधानसभा होगी, कोई तो संसदीय क्षेत्र होगा आपका। बस आप ये मान लीजिए कि आपके संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कराने का जो उत्तरदायित्व होगा वो रिटर्निंग ऑफिसर का होगा। ऐसे हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवाता है, ठीक है। इसके ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DEO होता है, उसके ऊपर स्टेट लेवल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर आपको पता होगा। इसके अतिरिक्त भारत का निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा और संसदीय चुनाव क्षेत्र में चुनाव अधिकार का अधिकारों के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक या एक से अधिक सहायक अधिकारी नियुक्त करता है, जिसे ARO बोलते हैं। आपने RO ARO के पद सुने होंगे। तो रिटर्निंग ऑफिसर की, RO की, निर्वाचन अधिकारी की मदद करने के लिए ARO भी होते हैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी जिन्हें कहा जाता है, सहायक चुनाव अधिकारी जिन्हें कहा जाता है, इनकी नियुक्ति भी की जाती है, ठीक है। ये खाली एक विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अब आते हैं इसके अलावा कौन होता है। तो इसके अलावा आपको मिलेगा एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसे ERO कहते हैं, ERO। ये जो होता है ये चुनाव निबंधन अधिकारी कहलाता है। ये क्या है, अभी तक समझ में आया? यहां तक समझे कि नहीं समझे भाई? RO ARO तक तो क्लियर हुआ।
तो संसदीय क्षेत्र में जो भी चुनाव क्षेत्र है उसमें मतदाता सूची, वोटर लिस्ट आदि को तैयार करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं चुनाव पंजीकरण अधिकारी। ठीक है, इनका काम होता है पंजीकरण करना, इनका काम होता है वोटर लिस्ट में लोगों को रजिस्टर्ड करना, रजिस्ट्रेशन करना। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि चुनावी क्षेत्र में मतदाता सूची, वोटर लिस्ट जो होती है उसके बाद में आप उसमें आपका नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आप वोट डाल पाएंगे, ये काम कौन करता है? ये काम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, नाम में ही आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन, ये पंजीकरण करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है। तो हर एक क्षेत्र की मतदाता सूची को तैयार करने का, पंजीकरण करने का जो काम है वो ERO का होता है। ठीक है, इनकी भी वही नियुक्ति वैसी है, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, ये हो गए ERO। फिर पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर PO, जितने भी जहां पर वोटिंग होती है ना उसको बोलते हैं पोलिंग बूथ। आपको पता होगा कि आपने कभी वोट डाला हो तो एक इलाके में कई सारी जगह पर वोट डाले जाते हैं और इन सारे जगहों को बूथ कहा जाता है, पोलिंग बूथ। एक विधानसभा क्षेत्र में जो जो संभव हो उतने सुविधा अनुसार पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं और वहाँ जाके आप वोट डालते हैं, आपके घर के जो सबसे पास पड़ता है आप वहाँ वोट डाल के आते हैं, और सब इलाके में अलग अलग क्षेत्र में ऐसे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। तो हर एक बूथ का जो अधिकारी होता है वो कहलाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर या PO, इसे पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, मतदान केंद्र पर मतदान काम का जो है मतदान के काम को संपन्न कराता है। हर एक पोलिंग बूथ पर, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई स्कूल है जहां वोटिंग होने वाली है, जहां वोट डलने वाले, जहां लोग वोट करेंगे आके, तो उस पूरे स्कूल का, उस पूरे केंद्र का, उसको बोलेंगे पोलिंग बूथ। और वहां पर एक अधिकारी होगा जिसका काम होगा उस पूरे बूथ पर चुनाव संपन्न करवाना, और उसको बोलते प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझ गए हम? और छोटे लेवल पर आ गए। सबसे पहले हमने देखा कि जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, फिर एक ही जिले में कुछ विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में आपको मिलेगा एक RO, एक रिटर्निंग ऑफिसर, फिर हर विधानसभा क्षेत्र में कई सारे पोलिंग बूथ होते हैं, हर एक पोलिंग बूथ पर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसका काम है हर पोलिंग बूथ पे जहाँ उनकी नियुक्ति है अपने अपने पोलिंग बूथ पर चुनाव का मतदान का काम संपन्न कराना, ये सुनिश्चित करना कि वहाँ पर वोटिंग सही तरीके से हो रही है, किसी तरीके की समस्या वोट डालने वाले लोगों को नहीं आ रही है, धांधली नहीं हो रही है, कोई बोगस वोटिंग नहीं हो रही है, फर्जी वोटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने का काम जो है वो इसका होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। ये नाम समझ में आया? पीठासीन अधिकारी, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के जो लोग होते हैं पीठासीन अधिकारी कहा जाता है उनको, चेयरमैन को, अध्यक्ष को, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनको सबको पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो ये वहाँ पीठासीन अधिकारी के तौर पर पोलिंग बूथ पर मतदान के काम को संपन्न कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं DEO। ठीक है, जो DM होते हैं ना वो अपने यहाँ पर हर एक पोलिंग बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर ये भी अधिकारी होते हैं राज्य सेवा के, इनको नियुक्त किया जाता है हर एक पोलिंग बूथ पर, इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, कौन नियुक्त करता है? DO। इसके अलावा कई सारे पर्यवेक्षक होते हैं चुनाव में काम करने के लिए, कई सरकारी अधिकारी होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है, वो चुनावी पर्यवेक्षक कहलाते हैं, और इनका भी अलग अलग काम है। चलिए, तो हम लोग इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे, इसके बाद में और जो बचा हुआ टॉपिक है वो कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे, और आगे वाले चैप्टर्स भी धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे। आप बने रहिएगा और सेशन को लाइक करो भाई। यदि आप सेशन को देख रहे हैं, आपको सेशन समझ में आ रहा है, सेशन आपको पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सबसे ज़रूरी बात, अनअकैडमी आपको दे रहा है 50% तक के डिस्काउंट का ऑफ़र। यदि आप अभी 26 मई के पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आधी फीस, फिर से कह रहा हूँ,
आधी फीस तक आप अपनी बचा सकते हैं, आधा खर्चा आपका कम हो जाएगा। आप 50% तक डिस्काउंट पर अपना सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं। बस यू हैव टू यूज़ दिस रेफरल कोड, आपको सिर्फ CKLIVE इस रेफरल कोड को अप्लाई करना है और जैसे ही आप ये कोड करेंगे आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लेट्स क्रैक इट।